हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्यन वॉइस पर। 2008 में ट्यूबलेस टायर जो है वो पहली बार इंडिया के मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, और ये जो ट्यूबलेस टायर है वो सिर्फ और सिर्फ हाई एंड वैल्यू व्हीकल्स के अंदर ही लग कर आते थे। उनकी जो क्वालिटी है, उनकी ड्यूरेबिलिटी है, इन सब का रिजल्ट देख के बाकी के जो टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो भी ट्यूबलेस टायर बनाने लगे। और आज यही वजह है कि आजकल आपको लगभग सभी व्हीकल्स के अंदर ट्यूबलेस टायर ही दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्यूब टायर है वो पूरी तरह से बेकार है। वो आज भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और वो आज भी उनकी सेल होती है। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ट्यूब टायर को ट्यूबलेस टायर के साथ, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको 100% आइडिया आ जाएगी कि आपको आपके बाइक के लिए या फिर कार के लिए किस टाइप का टायर खरीदना है। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपके बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स लगे हुए हैं और आप ट्यूबलेस टायर जो है वो स्पोक व्हील के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोक व्हील जो है वो एयर टाइट नहीं होते हैं। फिर भी अगर आप ट्यूबलेस टायर स्पोक व्हील के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको ट्यूब डाल के यूज करना होगा। दूसरा एक ऑप्शन अवेलेबल है फ्रेंड्स कि एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में जो स्पोक व्हील को एयर टाइट बना देता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है एक तरह का जुगाड़ है और मैं ये प्रोडक्ट का आपके लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो भले ही आपको दिक्कत ना दे सिटी एरिया में, लेकिन जैसे ही आप जो ऑफ रोड बाइक राइड करेंगे तो वहां पे हमेशा एयर लीक होने का खतरा बना रहेगा। तो बेहतर होगा कि जब आप ट्यूबलेस टायर जो है आपके बाइक के लिए डलवाएंगे तो उसी के साथ साथ अलॉय व्हील्स भी डलवाएं। फ्रेंड्स, मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 चलाता हूँ। ये जो बाइक है मैंने 5 साल पहले खरीदी थी, और जब मैंने बाइक खरीदी थी तो उसके साथ मुझे ट्यूब टायर ही मिले थे। उसके 1-2 साल बाद मैंने स्पोक व्हील को रिप्लेस करके अलॉय व्हील्स अपने बाइक के अंदर डाल दिए, लेकिन उस वक्त ट्यूबलेस टायर जो है वो रॉयल एनफील्ड के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने जो ट्यूब टायर जो है वो अलॉय व्हील के ऊपर लगा के ही उसको अब तक यूज करता था। अभी इसको 5 साल हो चुके हैं तो ये जो ट्यूब टायर है वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, और इसी वजह से मैंने पिछले हफ्ते टायर चेंज करा दिए और इस बार मैंने ट्यूब टायर के जगह ट्यूबलेस टायर जो है वो अपने बाइक के अंदर लगवा दिए। अभी मैंने ट्यूबलेस टायर ही क्यों डलवाए हैं अपने बाइक के अंदर, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन जो ट्यूबलेस टायर है वो किस ब्रांड का मैंने लिया है और वो ब्रांड मैंने क्यों सिलेक्ट किया है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। तो वो अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। कंपैरिजन में सबसे पहला पॉइंट आता है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचाने कि कौन सा ट्यूब टायर है और कौन सा ट्यूबलेस टायर है। नाम से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ट्यूब टायर को ट्यूब टायर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर ट्यूब होती है, और ट्यूबलेस टायर को ट्यूबलेस टायर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर ट्यूब नहीं होती है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है फ्रेंड्स। ट्यूबलेस टायर के अंदर भी ट्यूब होती है, लेकिन वो फिजिकल ट्यूब नहीं होती है ट्यूब टायर की तरह। उसकी जगह ट्यूब की एक लेयर होती है, एक कोटिंग की जाती है ट्यूबलेस टायर के इनर साइड के वॉल के ऊपर। तो लॉजिकली आप जो उसे कह सकते हैं कि ये जो ट्यूबलेस टायर है वो ट्यूबलेस नहीं होता है। आप जब भी शॉप में जाते हैं टायर खरीदने के लिए तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो आप जो टायर ले रहे हैं वो ट्यूब टायर है या फिर ट्यूबलेस टायर है, या फिर किसी व्हील के ऊपर अगर टायर लगा हुआ है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्यूब टायर है या फिर ट्यूबलेस टायर है। तो ये जानने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है टायर के साइड वॉल के ऊपर। टायर के साइड वॉल के ऊपर एक इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि जिसमें टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, टायर का मॉडल नंबर होता है, टायर की साइज होती है, और टायर किस ब्रांड का होता है वो भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर इन दोनों के ऊपर सेम होती है, लेकिन ट्यूबलेस टायर में स्पेसिफिक ट्यूबलेस करके नाम लिखा आता है जो कि ट्यूब टायर में नहीं होता है। तो इससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो टायर है वो ट्यूबलेस टायर है या फिर ट्यूब टायर है। कंपैरिजन में जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्रेंड्स रेजिस्टेंस हैंडलिंग। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप जब भी व्हीकल रोड के ऊपर चलाते हैं तो व्हीकल का जो टायर है वो रोड को ऐसे प्रेस करते हुए आगे चलता है, तो उसकी वजह से वहां पे जो है टायर और रोड के बीच जो है वो रेजिस्टेंस जनरेट होता है। इस रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो ट्यूब टायर के ऊपर कैसा होता है और ट्यूबलेस टायर के ऊपर कैसा होता है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो ट्यूब टायर के ऊपर कैसा होता है। रेजिस्टेंस की वजह से सबसे पहले दिक्कत आती है ट्यूब टायर के अंदर, वो आती है हीटिंग प्रॉब्लम।
अगर आप जो ट्यूब टायर में एयर प्रेशर मेंटेन नहीं रखते हैं, अगर ट्यूब टायर में जो एयर है अगर वो कम होती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो ट्यूब है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, और ट्यूब जो है वो थोड़ी सी सिकुड़ने की वजह से जब भी जो व्हील घूमता है तो वो ट्यूब जो है वो टायर के अंदर के साइड के ऊपर घिसना शुरू कर देती है, तो उसके वजह से वहां पे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है और उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये जो टेम्परेचर तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आप आपके व्हीकल के ऊपर ज्यादा लोड डाल के उबड़ खाबड़ रोड के ऊपर चलाते हैं, तब क्या होता है कि ट्यूब के अंदर हवा कम होने की वजह से जो ट्यूब है वो ट्यूब जो है वो फैलती है और सिकुड़ती है, और ये जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होती है, और उसके वजह से वहां पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा जनरेट हो जाता है, और उसके वजह से जो टायर और ट्यूब के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में जो ट्यूब है वो टायर के ऊपर घिसने की वजह से टायर और ट्यूब ये दोनों की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, और जो स्टेबिलिटी में भी आपको दिक्कत आती है। आप हवा जो है वो कम होने की वजह से आपने ये कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जो व्हीकल के जो हैंडलिंग है कभी कभी जो बाइक है या फिर कार जो है वो थोड़ी सी वोबल हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर हफ्ते आपके बाइक के अंदर हवा जो है आपको चेक करते रहना है, हवा जो है एयर प्रेशर जो है वो आपको मेंटेन रखना ही रखना है। अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स की जो रेजिस्टेंस की वजह से ट्यूबलेस टायर के ऊपर क्या दिक्कतें आती है, ट्यूबलेस टायर के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। ट्यूबलेस टायर जो है वो रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करता है। ट्यूबलेस टायर के अंदर जो ट्यूब ना होने के कारण उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो जनरेट नहीं होता है, और उसके वजह से हीट भी जनरेट नहीं होती है। साथ ही में ये जो ट्यूबलेस टायर है वो अच्छी तरह से वेट को मैनेज करता है, और उसके वजह से आपके व्हीकल की जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी तरह से हैंडल हो जाती है। कंपैरिजन में जो तीसरा पॉइंट है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूब टायर की। ट्यूब का उसका इंडिविजुअल वेट होता है और टायर का भी उसका इंडिविजुअल वेट होता है, और ये जो दोनों जब एक साथ आपके व्हीकल के अंदर लगता है तो आपके व्हीकल के लिए वो काफी हेवी हो जाते हैं। उसके वजह से इंजन को जो है वो ज्यादा काम करना पड़ता है, और उसके वजह से वो जो फ्यूल है वो ज्यादा कंज्यूम करता है, और इसका जो इफेक्ट है वो माइलेज के ऊपर पड़ता है, माइलेज आपका जो व्हीकल है वो कम देता है। अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड ट्यूबलेस टायर की। ट्यूबलेस टायर का जो वेट होता है वो ट्यूब टायर के मुकाबले बहुत ही कम होता है। ट्यूबलेस टायर हल्का होने के कारण एडिशनल वेट जो है वो आपके व्हीकल के इंजन के ऊपर नहीं पड़ता है, और उसकी वजह से जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम होता है और माइलेज बढ़ता है। कंपैरिजन में जो फोर्थ पॉइंट है वो है पंक्चर। पहले देख लेते हैं कि जो ट्यूब टायर है वो पंक्चर को किस तरह से हैंडल करता है। जब भी ट्यूब टायर में अगर पंक्चर हो जाता है कोई नुकीली चीज घुसने के कारण या फिर कोई कील घुसने के कारण, तो उसके अंदर की जो हवा है वो एकदम से बाहर निकल जाती है और जो व्हील है वो एकदम से फ्लैट हो जाता है। अगर आप फ्लैट कंडीशन में ही आपके व्हीकल को चलाएंगे तो जहाँ पे एक पंक्चर है तो वहां पे चार पांच पंक्चर होने की संभावना है, क्योंकि जो ट्यूब है वो फ्लैट होने के कारण जो ट्यूब है वो रिम के साथ और टायर के बीच में जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से घिसना शुरू हो जाती है, तो उसके वजह से और पंक्चर होने की वहां पे जो चांसेस होते हैं। ट्यूबलेस टायर में जब भी पंक्चर हो जाता है तो उसके अंदर की जो हवा है एकदम से बाहर नहीं निकलती। ट्यूबलेस टायर के मटेरियल में एक तरह की प्रॉपर्टीज होती है कि जिसके वजह से अगर कोई पंक्चर हो जाता है तो उस पंक्चर को थोड़े पैमाने के ऊपर वो ठीक कर लेता है, जिसकी वजह से जो हवा है वो एकदम से बाहर नहीं निकलती, और आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप आपके व्हीकल को पंक्चर होने के बाद जो है वो साइड में लेके जा सकते हैं, और साथ ही में पंक्चर होने के बाद भी कम से कम आप 15 से लेके 20 किलोमीटर तक उसके ऊपर जो है वो राइड कर सकते हैं। कंपैरिजन में जो पांचवा पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो है इजी टू रिपेयर। ट्यूब टायर में एक बार पंक्चर होने के बाद अगर आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले व्हील जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद टायर में से ट्यूब बाहर निकालना पड़ेगा, और तब जाके आप उसका जो पंक्चर है वो रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो कोई भी नहीं कर सकता, उसके लिए जो प्रोफेशनल पंक्चर बनाने वाले होते हैं सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर की जो पंक्चर है उसे रिपेयर करने के लिए एक किट आती है, और ये जो किट है वो ऑनलाइन मार्केट या फिर ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगी, और साथ ही में ये जो ट्यूबलेस टायर का जो पंक्चर है वो रिपेयर करने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो देख के आप ये जो ट्यूबलेस टायर का जो पंक्चर है वो खुद रिपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन में जो सिक्स्थ पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो है प्राइस। ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर में जो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने की वजह से ट्यूबलेस टायर की जो प्राइस है वो ट्यूब टायर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पे जो ट्यूब टायर की जो प्राइस है वो ट्यूबलेस टायर से
कम है। तो जो सभी कंपैरिजन पॉइंट्स देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये जो ट्यूब टायर जो है वो ट्यूबलेस टायर के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन ये सच नहीं है फ्रेंड्स। ट्यूब टायर में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, चलिए मैं आपको उसको बता देता हूँ। ट्यूब टायर में क्या होता है कि अगर कोई बड़ा पंक्चर हो जाता है सरफेस एरिया में या फिर साइड वॉल पे, तो आप उसको पैच लगा के उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन ट्यूबलेस टायर में आप ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे आप जो है वो पैच जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आपको टायर जो है वो ट्यूबलेस टायर जो है वो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स ये कंपैरिजन देखने के बाद आपको आइडिया आ चुकी होगी कि आपको आपके बाइक के लिए या फिर कार के लिए किस टाइप का टायर खरीदना है। अगर ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगली जो वीडियो होगी मैंने जो अपने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में ट्यूबलेस टायर डाले हुए हैं उसके ऊपर है, तो वो जो ट्यूबलेस टायर है वो कौन से ब्रांड के डलवाए हैं, किस टाइप के डलवाए हैं और उसके जो प्राइस है वो क्या है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मास्क पहने और सुरक्षित रहिए।